बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो अब लघु कबीर है उसमें चिड़ों का जो मगज़ होता है ना, चिड़ों का मगज़ डालना, तो कंपनी तो नहीं डालती क्योंकि ये मिलता नहीं है, इतने नर चिड़े मिलते नहीं हैं। अभी ये हमने गुजरांवाला से ना 600 सर मंगवाए हैं। एक सर हमने वहाँ से ख़रीदा 5 रुपये का गुजरांवाला से ना। देखें अब ये जो है ना, ये सर हैं, ये इसके चिड़ों के सर हैं गुजरांवाले में। क्योंकि चिड़े जो है ना वो भून कर खाते हैं ना, इसलिए अब हम इसको खोल खोल कर जो है ना इसको निकाल रहे हैं। ये देखें आपके सामने इसका मगज़ जो है ना निकल रहा है, और ये जो है ना हड्डी ये एक तरफ डाल रहे हैं हम इसकी। तो ये हमने 5 रुपये का ख़रीदा और यहाँ कराची पहुँचते पहुँचते 5 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ गया। ये हमने आइस बॉक्स में जो है ना लगवा कर आइस के साथ जो है ना ये हमने मंगवा लिए हैं। अब ये निकाल रहे हैं हम, ये 600 चिड़ों के सरों में इसका जो मगज़ है तकरीबन ये निकलेगा 600 650, मतलब एक तकरीबन 600 में जो है 600 ग्राम निकल आएगा। इसको हम बिरियां करेंगे, भून लेंगे देसी घी में। अच्छा, हम तो अपने लिए तो जो है ना, हमारे हकीम साहब तो पिस्ते के तेल में, पिस्ते का जो तेल है ना उसमें वो तेल निकलवाते हैं, उसमें लघु कबीर में डालने के लिए उसमें भुनवाते हैं। तो आप लोग अपने लिए जो है ना देसी घी में इसको भून कर डालें, बिरियां कर कर इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना मगज़ का, तो फिर ये आपके सफ़ूफ में माजून का जो सफ़ूफ है उसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा, और फिर ये कभी ख़राब भी नहीं होगा। 2 साल भी पड़ा रहे ना, क्योंकि मगज़ है ये सर, इसका तोड़ा हमने, इसको बीच में से तोड़ने के बाद जो है ना ये देखो ये पूरा इसका मगज़ है, और ये इजी निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। बस ये देखो खाल मैंने फेंक दिया, ये मगज़ निकल गया इसका। इन मगज़ को जो है ना भून लेंगे, अब निकाल लेते हैं। जब भूनेंगे इसको तो उसको फ्राई करते हुए भी आपको दिखाएंगे, और फिर और जो इजाफी चीज़ें डलती हैं वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना थैली में हमारे हकीम नजीब साहब बैठे हुए लिए हुए, ये बर्फ़ जमा हुआ है ना आइस, ये आइस बॉक्स में हमने जो है ना ये मंगवाए हैं 600, 3000 रुपये के वहाँ से लिए। फिर हमने सारी पैकिंग वगैरह वहाँ से करवाई, सारी पैकिंग कराने के बाद जो है, अच्छा बाज़ार में जो निकला हुआ मिलता है वो भेड़ का मगज़ होता है, वो चिड़ों का मगज़ नहीं होता। पंसारी जो बेच देते हैं ना पिशावर वगैरह में, ये वो भेड़ का मगज़ होता है, और वो ब्राउन रंग का हो जाएगा। ये जब भूनेंगे ना आप इसको पिस्ते के तेल में या घी में, तो इसका जो कलर है ना मटियाले कलर पर आ जाएगा। हाँ, और वो कत्थई रंग का बाज़ार में मिलता है ना, वो भेड़ का मगज़ होता है, भेड़ का। बस अब जिनको पता नहीं होता बेचारे वो डाल देते हैं, ये है बस। अब क्योंकि 8 किलो बनाएंगे लघु कबीर, तो 8 किलो में 300 ग्राम मगज़ चाहिए, इसलिए इन्होंने 300 चिड़ों का काम था लेकिन 600 मंगा लिए हकीम साहब ने। अभी ये उसमें भी डालेंगे फलक शेर में, तो इसलिए ज़्यादा मंगवा लिए। चलें, बहरहाल ये हकीम साहब चीज़ें तो अच्छी बनाते हैं लेकिन बहुत महंगा बेचते हैं। आपसे गुजारिश है कि इनका सौदा कभी ना लो, बाज़ार से ले लो, ये बहुत महंगा बेचता है भाई हकीम फैज़ुलहक जो है, ये बहुत महंगा बेचता है। अभी फलक सिर बना रहा है ये, वो तकरीबन वो सौदा तो महंगा है, 1,19,000 रुपये किलो फलक सिर घर में पड़ेगा। ये तो पता नहीं 2 लाख रुपये किलो बेचेगा, क्या दाम बेचेगा, लेकिन चीज़ होती है। फिर वो देखें, अब आपके सामने है सारा मगज़ जो है ना वो निकल रहा है। हाँ, मेहनत तो बहुत कराते हैं ये। चलें, जब ये इसको फ्राई करेंगे तो आपको दिखाएंगे फ्राई करते हुए कैसे फ्राई करते हैं। तो देखिए, हमने इसमें जो है ना ये 500 ग्राम मंगल निकला है हमारे
500 चिड़ों में से 600 से 100 जो है ना वो हमने रोक लिए हैं, उन्हें निकाले, 500 में से 500 ग्राम निकले। अब इसके अंदर मैंने 100 ग्राम डाला देसी घी और इसके अंदर इसको मैंने फ्राई कर रहा हूँ। इधर जब फ्राई करके बिल्कुल ये खुश हो जाए ना, इसका पाउडर बन जाए, फिर ये लबू में कबीर में शामिल करना है। अगर इसमें ज़रा भी पानी रह गया ना तो मालूम ख़राब हो जाएगा। इसको बहुत हल्की आग में 15 से 20 मिनट इसको भूनना है। कलर देखने में इसका खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है इसमें। धुआं भी नजर आ रहा है आपको, लो फ्लेम किया है मैंने बिल्कुल। पहले घी जो है ना वो तेज फ्लेम पे गर्म किया, वो डालकर जो है ना फिर मैंने इसको, अब ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा इसका। इस तरह से आप फिर जो है ना इसको बढ़िया जरूर करें, वरना ऐसे अगर घोल डालेंगे तो माजून आपका सारा ख़राब हो जाएगा। अभी तकरीबन बढ़िया हो चुका है। 500 ग्राम में मैंने 100 ग्राम डाला देसी घी। हम वैसे पिस्ते के तेल में जो है ना इसको फ्राई करते हैं, लेकिन हकीम साहब ने कहा कि देसी घी अपना बनाया हुआ रखा है ना, गाय का दूध का अपना बनाते हैं, तो बोला उसमें फ्राई कर लो, इसलिए हमने कहा चले। जब आपका देखें हम ये बिल्कुल खुश्क हो गया, ये पाउडर बन जाएगा इसका, ठंडा करेंगे फैलाएंगे इसका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। जो बाजार में मिलता है ना वो भेड़ का होता है, भेड़ का बकरे का मगज होता है और वो पीला कर देते हैं, तो मतलब कत्थे रंग का होता है ना, फ्राई कर कर बाजार में जो बिकता है, और 60 रुपए का 70 रुपए का एक ग्राम बेचते हैं। अभी आपके घर के अंदर जो है अगर आप मार्जिन लगाएंगे तो 13 रुपए का एक ग्राम आपको घर में पड़ जाएगा और फिर एक नंबर होगा। गुजरावाला से जो है ना, गुजरावाला घंटा घर पर उनसे कहीं जाकर मालूम कराएं कि भाई चिड़े वाली गली कौन सी है। चिड़े वाली गली एक मशहूर है, उसमें जो है ना ये ज़िबा करते हैं चिड़ों को, करते हैं नरी चिड़ा है, मादा जो चिड़िया है ना उनको ज़िबा नहीं करते, उनको आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अंडे बच्चे करें, तो फिर वो चिड़े उनको मिलते रहें। तो 5 रुपये का एक चिड़े का मगज़ दिया है, साफ करके दिया है, फिर मगज़ हमने खुद निकाला आपको दिखाया। अभी फ्राई कर रहे हैं, अभी इसमें पानी है, जब इसका धुआं निकलना बंद हो जाएगा रोगन छोड़ देगा, ये समझ लीजिए फ्राई हो गया। खुशबू आ रही है एक एक हफ्ता जो है ना ये खुशबू दवा खाने में रहती है इसकी। अभी देखेंगे, अभी तो पानी है, ये पानी खुश्क हो रहा है, तो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, फिर आप इसको नाम दिखाएंगे आपको, लबू के कबीर का जो पाउडर बना के रखा है उसमें इसको शामिल करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर ये जो है ना इसने रोगन छोड़ दिया, ये आपको झाग नजर आ रहा है ना मामूली मामूली से, ये इसने घी छोड़ दिया है, अब ये सही मानों में बिल्कुल फ्राई हो गया। ये अब ये 5 या 10 साल भी ख़राब नहीं होगा, किसी भी दवा में डाल दें, माजून में डाल दें, देखें सारा फ्राई हो गया।
अब इसको हम फ्लेम बंद करेंगे और ये जो है अच्छा मुसलसल चलाना है, फ्राई करना है ना, बिल्कुल चलाते रहना है इसको, ऐसा ना हो कि लग जाए और जल जाए। जल गया तो मैं समझ लो सब कुछ जल गया। ये आपके सामने देख रही है स्टील की मामूली सी कढ़ाई ली है मैंने और स्टील का ही चमचा है मेरे हाथ में जिससे मैं मुसल कर इसको रगड़ रहा हूँ। ये 20 मिनट लग गए मुझे फ्राई करते हुए ना, 20 मिनट में ही फ्राई हो गई। अब ये देखें आपके सामने है ये, अब इसने जो अभी इसमें पानी था ना बिल्कुल खुश्क हो गया, रोगन छोड़ दिया, अभी नरम भी हो गया, रोगन छोड़ दिया ना, जो फ्राई हो गया बिल्कुल सही मायने में फ्राई हो गई। कलर भी देखें अब आप जो है ना मालूम जैसा कलर आ गया इसका, और वो जो भेड़ का है ना वो तो बाजार में जो बेच रहे हैं बकरे का भेड़ का वो ब्राउन होगा, ब्राउन मैंने इसका फ्लेम बंद कर रहा हूँ। का फ्लेम बंद कर दिया मैंने। अब ये ठंडा हो जाएगा, ये बढ़िया हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बढ़िया हो गया। इसको फैला दें ठंडा हो जाएगा।